तो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है जिसको आप अपनी गाड़ी में डलवाने वाले हैं उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? ठीक है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं भी जानता हूँ, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन देखा तो उसमें यार एक्सपायरी डेट ही नहीं है। क्या इंजन ऑयल एक्सपायर होता है या उसको उसका कोई टाइम पीरियड है खराब होने का? गाड़ी में डलने के बाद वो इंजन ऑयल कितने दिन तक चलेगा, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी की जब सर्विस करवाने लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डब्बे के ऊपर ना, जैसे ये डब्बा हो गया, इसके ऊपर प्राइस देखते हैं, यहाँ पर प्राइस कितना है। कभी मैकेनिक ज़्यादा इंजन ऑयल ना लेने, बहुत से लोग होते हैं यार, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, एक मजाकिया तौर पर कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ प्राइस देखते हैं उसकी, इंजन ऑयल के जो डब्बा है उसके ऊपर कब वो इंजन ऑयल बना तब की भी डेट लिखी मिलेगी, लेकिन कब वो खराब होगा या उसकी एक्सपायरी डेट कब की है वो उसमें कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप चेक कर लेना किसी भी ब्रांड के इंजन ऑयल का। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंजन ऑयल कब खराब होते हैं। मान लो आपने इंजन ऑयल लेके आए आप ये वाला, और ये सील पैक है कैस्ट्रोल का है, ठीक है, और सील पैक है, तो ये कब खराब होगा अगर इसकी सील लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पास इंजन ऑयल आए, जब भी कभी भी आप अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए खुद से खरीदने जाएं, तो सबसे पहले उसकी पैकिंग डेट देख लेना कि वो उसी साल की है कि नहीं है। ठीक है, वो जरूरी होता है, लेटेस्ट पार्ट हमें लेना चाहिए। दूसरी चीज़, वो कब ख़राब होता है, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो जो मिनरल इंजन ऑयल है, जैसे अपना मार्केट के अंदर कई तरह के इंजन ऑयल मिलते हैं, अपना कैस्ट्रोल मैग्नेटिक हो गया, मोबिल हो गया, बोस हो गया, एचपी हो गया, बहुत सारे ग्रेड के इंजन ऑयल आते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रेड के, जैसे 10W30 इंजन ऑयल हो गया नॉर्मल इंजन ऑयल, ठीक है, 5W30 हो गया, 5W20 हो गया, मिनरल इंजन ऑयल आ जाते हैं। ठीक है, तो 5W30 जो है वो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, 10W30 नॉर्मल, और मिनरल इंजन ऑयल 5W20 करके ऐसे भी हो जाता है, वो इंजन ऑयल के डब्बे के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सील पैक है, ठीक है, वो कब खराब होगा, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाना, आप देखना जो मिनरल इंजन ऑयल्स हैं उनकी जो लाइफ होती है, अगर वो सील पैक भी आपने रखा हुआ है 2 से 3 साल, अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया तो मैक्सिमम 2 से 3 साल तक उसकी विस्कोसिटी बची रहती है, वो इंजन ऑयल बिल्कुल यूजेबल रहता है। 2 से 3 साल होने के बाद क्या होता है, इंजन ऑयल खराब हो जाता है, उसको गाड़ी में भी यूज नहीं करना चाहिए, मिनरल इंजन ऑयल जो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल की लाइफ क्या होती है अगर वो सील्ड पैक है। ठीक है, तो उनकी लाइफ होती है फ्रेंड्स 4 से 5 साल, अगर आपके पास रखा हुआ है 4 से 5 साल तक वो यूजेबल है, उसके बाद उस इंजन ऑयल को आप यूज नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो वो कोई फायदा नहीं देने वाला। तो अभी एक बार इंजन ऑयल के डब्बे पे चलते हैं, है ना, फिजिकली चेक करते हैं उस पर क्या नाम है, एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती है, वो देख लेते हैं। चलो, तो दोस्तों अब इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं, इस पर कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कि इसके ऊपर कहीं एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पर MRP लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 2023 इसी साल का इंजन ऑयल ये बना हुआ है। ठीक है, और ये UPA से कुछ रुपए में अलग से कुछ प्राइस लिखे हुए हैं। ठीक है, पर लीटर होगा सर, शायद पर लीटर है ये। ठीक है, इसके बाद इसके कोड नंबर से, ठीक है, एंड इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कहीं और पे है कि नहीं है, आराम से देखेंगे। ठीक है, एंड ये देखिए 5W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ठीक है, अभी इसके अगले पेज पे चलते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं। ये देखो, अब ये इंजन ऑयल है पूरा, ठीक है, एंड इस पे भी कहीं पर भी एक्सपायरी डेट हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसी पे क्या किसी और भी ब्रांड का डब्बा हो, ठीक है, इंजन ऑयल का, तो उस पर भी कहीं पर भी एक्सपायरी डेट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इंजन ऑयल के ऊपर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी रहती, और अब हम जब वेबसाइट पे जाएंगे वहां जाके हमें सब पता चल जाएगा, जो मिनरल इंजन ऑयल्स होते हैं उनकी 2 से 3 साल लाइफ रहती है, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं, गाड़ी में यूज करने लायक नहीं रहते। सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक की 5 साल तक वैल्यू रहती है, 5 साल के बाद हम उन्हें भी यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि अब हम अगर अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डाल दें, ठीक है, जो मतलब ओके इंजन ऑयल है, तो वो 3 साल तक क्यों नहीं चलता या 5 साल तक क्यों नहीं चलता? अगर वो रखा रखा इतने दिन चलता है तो वो गाड़ी में डलने के बाद क्यों नहीं चलता है? ठीक है,
तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा जब आप डीलर पे जाते होंगे सर्विस कराने के लिए, तो कोई भी बंदा जिससे आप पूछोगे, एडवाइजर हो या मैकेनिक हो अपना, नॉर्मल बाहर के जो मैकेनिक होते हैं, बाहर के मैकेनिकों को मैं बहुत अच्छे मानता हूँ, ये बात तो मैं शुरू से भी कहता आ रहा हूँ, कभी भी उनसे पूछेंगे तो आपको वो बोलेंगे 6 महीने या 5,000 किलोमीटर चलेगा सर, या 12 महीने, 1 साल या 10,000 किलोमीटर चलने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल सील्ड पैक रखा रहता है तो वो यूज नहीं होता, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के इंजन के अंदर चला जाता है तो वो 4-5 तरीके के बेनिफिट्स देता है इंजन को, और जो उसकी काम करने की क्षमता है वो आराम आराम से कम होती चली जाती है। इसको विस्कोसिटी बोल देते हैं, या काम करने की जो प्रॉपर क्षमता उसकी होती है वो खत्म हो जाती है 1 साल तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 7,000 या 8,000 किलोमीटर तक वो इंजन ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है, 10,000 किलोमीटर पे तो उसको रिप्लेस ही कराना होता है। अब उस 5 बेनिफिट्स 2-3 बेनिफिट्स तो मैं बता देता हूँ। एक तो इंजन को ठंडा करके रखता है, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन नहीं बनने देता। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, जैसे इंजन ऑयल अगर बीच में ना आए तो दो पार्टिकल जो पार्ट आपस में लग के क्या होता है वो कट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंजन कभी सीज हो जाता है तो इंजन ऑयल कम होने की वजह से वो सीज होता है अपनी गाड़ी में, और जब खुलने के बाद देखते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली भी है, जैसे क्रैंक्स आप खराब हो जाती है, तो वो फ्रिक्शन को नहीं होने देता, इंजन को बचा के रखता है, डस्ट को रिमूव करता है, जितना भी डस्ट इंजन के अंदर फ्रिक्शन वगैरह से थोड़ा सा कटपट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो सब खींच के नीचे ले आता है। बहुत सारे इसके इंजन ऑयल के बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम तो 6-7 होते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा काम करता है गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी को बचा के रखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सारी कंपनीज यही कहती है कि 10,000 किलोमीटर तक जो सेमी सिंथेटिक है या नॉर्मल इंजन ऑयल है या फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, 10,000 किलोमीटर तक ये इंजन ऑयल चल जाते हैं या 1 साल तक चल जाते हैं। यही रीजन है इनका कि ये 2 साल से 3 साल तक नहीं चल पाते, क्योंकि इनकी काम करने की क्षमता या विस्कोसिटी जिसको बोल सकते हैं वो कम होती चली जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।